अब कौन सा? ये समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, हजार बार क्या हूँ प्राइमेट वर्क में, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ए जो है एक कारपेट को 6 दिन में बनाता है, बी उसी कारपेट को 12 दिन में बनाता है, सी उसी कारपेट को 18 दिन में बनाता है। तो अगर ये तीनों मिलके काम करना शुरू करें और एक कारपेट बनाए तो वो कितने दिन में बनेगा? हाँ टैप से, वो तो मैंने एग्जांपल से कराया था, अब क्वेश्चन आएंगे ना उसे। तो ए एक कारपेट को 6 दिन में बनाता है, बी एक कारपेट को 12 दिन में बनाता है, सी एक कारपेट को 18 दिन में बनाता है। तो पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करना शुरू करेंगे तो कितने दिन में एक कारपेट बन जाएगा? सबसे पहले निकालते हैं ए का वन डे वर्क, इज वन डे वर्क कितना हुआ 1/6। बी का वन डे वर्क 1/12। C का वन डे वर्क 1/18। A B C वर्किंग टुगेदर अगर A और B तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो A भी अपना पहले दिन का काम करेगा, B भी अपना पहले दिन का काम करेगा, C भी पहले दिन का काम करेगा, करेगा? इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 36। 60 टेबल में 36, 6 × 3 = 2, 11/36। इसका मतलब अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 11/36 काम करेंगे, तो टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1/6 है, हमें बताना है कि ये कितने दिन का काम पूरा करता है। तो क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को उल्टा कर देते हैं। वैसे ए और बी और सी तीनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 1/11/36, तो ए और बी और सी तीनों मिलके कितने दिन का काम पूरा करेंगे? फ्रैक्शन को उल्टा करो सीधे, 36/11 days, इसको फ्रैक्शन में निकाल लेना, 3 whole 3/11 days बस। ए बी और सी एक फ्लोर को पॉलिश करते हैं, तीनों जब मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उसको 10 दिन में पॉलिश करता है, सी अकेला उसको 12 दिन में पॉलिश करता है, तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिन में पॉलिश करेगा? ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो रहा है,
बी अकेले कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है, सी अकेले कर रहा है तो 12 दिन में कर रहा है, तो बताना है ए अकेले करेगा तो कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ए कैन पॉलिश द फ्लोर इन एक्स डेज। हमने मान लिया ए जो है वो एक्स दिन में पूरा। ठीक है, तो अब निकालते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी टुगेदर वन डे वर्क। ए बी और सी जब तीनों साथ में पॉलिश कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं। ठीक है, बी वन डे वर्क कितना है, 1/10। सी का वन डे वर्क 1/12। ठीक है, तीनों का साथ में मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, बी अकेला एक दिन में इतना काम कर रहा है, सी अकेला एक दिन में इतना काम कर रहा है, ए उसको पॉलिश कर रहा है एक्स दिन में, तो ए का वन डे वर्क कितना हुआ, 1/x हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ए का वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क और सी का वन डे वर्क जोड़ दें तो एक दिन में पूरा होने वाला काम है, पक्का? कोई भी दिक्कत है, पक्का? ये जो अब क्या करते हैं, अननोन वेरिएबल को इस तरफ रखते हैं, जितने नोन है उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो 1/x = 1/4 - 1/10 - 1/12। कोई दिक्कत, पक्का? ऐसे कितना आएगा इनका, फोर की टेबल में 60 जाता है 15 बार, 15 × 1 = 15 माइनस 10 की टेबल में 60 जाता है 6 बार, 6 × 1 = 6 12 की टेबल में 60 जाता है 5 बार, 5 × 1 = 5 1/x = इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 - 5/60 1/x = 4/60 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/x = 1/15 तो x = 15 तो therefore a can polish the floor in 15 days। एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी और सी तीनों मिलके एक फ्लोर को पॉलिश करते हैं 4 दिन में, बी अकेला उसको पॉलिश करता है 10 दिन में, सी अकेला उसको पॉलिश करता है 12 दिन में, तो बताओ ए अकेला जब पॉलिश करेगा तो कितने दिन में पॉलिश करेगा। हमने मान लिया ए जो है वो एक्स दिन में पॉलिश करता है, तो ए बी और सी तीनों का, तीनों अगर मिलके एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। बी एक काम को करने के 10 दिन ले रहा है तो वन डे वर्क कितना हुआ, बी का 1/10। सी एक काम को करने के 12 दिन ले रहा है तो वन डे वर्क कितना हुआ, 1/12। हमने यहाँ पे माना था ए का वन डे वर्क जो है वो ए जो है वो एक्स दिन में काम पूरा कर रहा है तो वन डे वर्क कितना हुआ, 1/x। तीनों का वन डे वर्क मिला देंगे तो तीनों ने एक साथ एक दिन में कितना काम किया उसके बराबर आएगा, तो 1/x + 1/12 + 1/x करा तो 1/4 के इक्वल रख दिया। इसको सॉल्व करके जब हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली तो 15। अब हमने x माना क्या था, a कितने दिन में पॉलिश कर रहा है वो माना, x की वैल्यू 15 है इसका मतलब a जो है उस फ्लोर को 15 दिन में पॉलिश कर रहा है। खत्म बात करो, कुछ पूछना हो तो पूछ ले लो।
जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 4 days। वानी कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 4 days। रानी एंड वानी कंप्लीट होल वर्क इन कितना डेज। एक काम का 1/4 जो है वो 4 days में कंप्लीट करती है। वानी उसी काम का 1/5 जो वर्क है वो 4 days में कंप्लीट करती है। रानी को एक काम का 1/4 कंप्लीट करने में 4 days लग रहे। तो रानी कैन डू होल वर्क इन कितने दिन में। एक काम है उसका 1/4 करने में रानी को 4 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। 8 दिन में कैसे हो जाएगा। वन बाय फोर काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 4 दिन और इसने काम किया 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हुआ। 1/4 + 1/4 इसको प्लस करेंगे तो 2/4 आएगा, उसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि 8 दिन में 1/2 काम होगा। पूरा काम कितने दिन में होगा। 16। 4 को 4 से इंटू करना है तो 16 दे दो। हाँ बस 16 डेज में रानी कंप्लीट कर दी। अब वाणी कितने दिन में करेगी। 4 × 5 = 20 days। अब रानी का 1 day work कितना होगा। 1/4 रानी एक काम को 16 दिन में पूरा कर रही है, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/16 हुआ। पूरा काम इसको मत देखना, ये जब बन गया इसकी एक काम जो है पूरा का पूरा 16 डेज में पूरा करना, तो यहां से देखना है क्वेश्चन। और वाणी का 1 day work 1/20। रानी एंड वाणी टुगेदर 1 day work, साथ में दोनों का 1 day work कितना होगा। दोनों का 1 day work प्लस कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। 16 × 5 = 85 + 4 = 9/80। रानी और वानी का एक साथ जो एक दिन का काम है वो 9/80। तो रानी एंड वानी कंप्लीट होल वर्क इन 4 work in। जब रानी और वानी एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। दोनों का 1 day work आया 9/80, तो इसको उल्टा कर देंगे 80/9 days में ये दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे। का मतलब कितने हुआ 9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे 8
8/9 days। अब इसमें 8 दिन तो पूरे हैं और एक दिन जो है वो 8/9 है, पूरा नहीं है। तो कैसे निकालते हैं 8/9 को एक दिन में? कितने दिन के बाद सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? घंटा। तो इसको 24 से इंटू कर देंगे तो 9 3 3 9 3 8 24 यानी कि 64/3 hours। यहां तक निकालोगे तब भी चलेगा। अब 64/3 आया तो इसमें फिर वो आ गया, तो इसको फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 21/3 hours। ठीक है, अब फिर 21 पूरा आया, 1/3 पूरा नहीं आया, तो अब इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तो 1/3 into 60 यानी कि 20 minutes। तो इसका मतलब रानी और वानी ने पूरा काम कितने दिन में किया? 8 दिन पूरे लगे। ठीक है, उसके बाद 21 घंटे लगे, उसके बाद 20 मिनट लगे। इसका मतलब रानी और वानी एक साथ जब काम कर रहे थे तो 8 दिन 21 घंटे 20 मिनट का काम पूरा हो। और इसको यहां पर तक करोगे तो भी सही है। अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा कठिन है। मैत्री और आभास मिल के एक काम को 12 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आभास एंड काव्या कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 आवर्स, काव्या एंड मैत्री can complete the work in 20 hours। They will finish together and separately in इतना। मैत्री और आभास एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं, आभास और काव्या उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, और काव्या और मैत्री उसी काम को 20 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताना है कि ये तीनों जब मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, और अलग अलग करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। अलग अलग भी बताना है कि मैत्री एक दिन में कितना पूरा करेगी, मैत्री कितने देर में पूरा करेगी, आवास कितने दिन में पूरा करेगा, और काव्या तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में बताना है। और अलग अलग करेंगे, अलग अलग बोले तो पूरा काम मैत्री करेगी, पूरा काम आवास करेगा, पूरा काम काव्या करेगी, तो कितने देर में पूरा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, मैत्री एंड आभास वन डे वर्क, मैत्री और आभास का वन डे वर्क कितना है? 1.12। आभास और काव्या का वन डे वर्क कितना है? 1.15। काव्या और मैत्री का वन डे वर्क 1/20। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 1/12 + 1/15 + 1/20
इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 मैत्री प्लस 2 आभास प्लस 2 काव्य वन देवर। जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो ये मैत्री और आभास का वन देवर था, बता रहा था मैत्री और आभास का वन देवर था, आभास और काव्य का वन देवर था, काव्य और मैत्री का वन देवर था। मैत्री ने एक दिन का काम अपना आभास के साथ भी किया और मैत्री ने काव्य के साथ भी किया, तो दो दिन का काम हो गया मैत्री का। काव्य ने मैत्री के साथ भी किया, काव्य ने आभास के साथ भी किया, तो काव्य का भी दो दिन का काम हो गया, इसीलिए टू लिख रहा हूं। आभास ने काव्य के साथ भी किया और आभास ने मैत्री के साथ भी किया, दो दिन का काम हो गया, इसलिए टू लिख, ठीक है। तो दो मैत्री, दो आभास और दो काव्य मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकलेगा। इसको प्लस करेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3, इसको प्लस करके आया 12 अपॉन 60 यानी कि 1/5, ठीक है। इस क्वेश्चन इसके आने का मतलब क्या हुआ, इसके आने का मतलब हुआ कि अगर दो मैत्री होंगी, दो आभास होंगे और दो काव्य होंगी, इनका वन डे वर्क कितना होगा, इनका वन डे वर्क होगा 1/5, ठीक है। ध्यान से सुनना, तुम्हें दो मैत्री, दो आभास, दो काव्य का वन डे वर्क होगा 1/5। तो दो मैत्री, दो आभास और दो काव्य का, दो काव्य can complete the work in 5 days। इसको उल्टा क्या है, तो इसका मतलब दो मैत्री होंगी और दो आभास होंगे और दो काव्य होंगे, तो तीनों ये 6 लोग मिलके 5 दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। 6 लोग मिलके 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक मैत्री, एक आभास और एक काव्य का, एक काव्य कितने दिन में काम पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, हाँ नहीं एक साथ ही, दो मैत्री, दो आभास, दो काव्य एक साथ मिलके 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक मैत्री, एक आभास और एक काव्य मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता लगा था कि आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमने ये तो निकाल दिया कि तीनों मिलके काम को कितने दिन, ये देश नहीं है यार, सॉरी तो आर्ट्स है, हमने ये निकाल दिया कि मैत्री आभास और काव्य मिलके उस काम को करेंगे 10 दिन में पूरा। अब हमें निकालना है कि तीनों अलग अलग अगर टाइम लगाएंगे तो कितने घंटे में, कितने घंटे में पूरा करेंगे। अगर तीनों एक घंटे में पूरा कर रहे हैं तो मैत्री आभास इन सब का वन डे वर्क कितना होगा, मैत्री आभास और काव्य का वन डे वर्क कितना होगा, वन डे नहीं, वन आवर वर्क, वन अपॉन टाइम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक घंटे में 1/10 काम कर रहे हैं, तो तीनों एक घंटे में 1/10 काम कर रहे हैं, तीनों एक घंटे में 1/10 काम कर रहे हैं, और मैत्री और आभास तीनों एक घंटे में मिलके 1/10 काम कर रहे हैं और मैत्री और आभास मिलके एक घंटे में 1/12 काम कर रहे हैं, तो मैत्री और आभास का वन आर का वर्क प्लस काव्य का वन आर का वर्क जो है वो 1/10 के इक्वल होगा। किन तीनों को प्लस करके, ये तो यहां से निकाला ना हमने, दो मैत्री, दो आभास, दो काव्य का वन डे वर्क 1/5 हो
रहा था। तो एक मैच भी एक आभास और एक का अव्यय का वनडे वर्क कितना हुआ, 1/10 हो गया। मतलब तीनों अगर 6 हैं, 2 मैच के लिए 2 आभास हैं, 2 का अव्यय हैं, एक काम को 5 घंटे में कर रहे हैं। तो अगर ये एक एक हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक मैच एक आभास और एक का अव्यय को कंप्लीट करने में 10 घंटे लग गए। ठीक, तो इनका 1 आवर वर्क कितना हुआ, जब एक काम को वो 10 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 1/10 काम कर रहे हैं। तीनों का जो काम है वो 1/10 है। इसमें से मैत्री और आभास का 1 घंटे का काम हमें पता है, मैत्री और आभास का 1 घंटे का काम और काव्य का 1 घंटे का काम 1/10 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 1/k = 1/10 - 1/12 LCM लिया 60 6 - 5 = 1/60 = 60 hours। इसका मतलब काव्या इस काम को अकेले करने बैठेगी तो 60 आवर्स लगेंगे उसे कंप्लीट करने। ठीक है, सेम मैत्री आभास और काव्या का वनडे वर्क हमें 1/10 पता है। आभास और काव्या का वनडे वर्क कितना है, 1/50, और मैत्री का कितना है 1/m मान लेते हैं हम, 1/10 1/m = 1/10 - 1/15 LCM लिया 30 3 - 2 1/30 30 आर्स आ गया मैत्री का। मैत्री अगर अकेले करने बैठेगी तो 30 आर्स हो गया। ठीक हो गया, इतना नोट करना पहले, फिर आगे उसका हम बता दूंगा। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी समझ में आया ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद तीसरे में भी ऐसी किया, तीनों का काम 1/10 था, उसको इक्वल रखा मैत्री और आवास, मैत्री और काव्या का एक दिन का काम 1/20 था, आवास का काम प्लस करके आवास का काम निकल गया। हाँ, आवास में एक दिन किया, काव्या में भी 3 दिन किया, मैत्री के मैं भी किया, काव्या ने 60 घंटे में पूरा किया, मैत्री ने 30 घंटे में पूरा किया और आवास ने किया नहीं, मतलब अकेले करते तो इतने दिन में पूरा इतने घंटे में। ये वाला इजी था, इजी था यार। आएगा आगे आएगा,
अभी टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है स्कूल में ना? एग्जीबिशन है अभी, और सुना भी नहीं होता, हिंदी का एग्जीबिशन होता है।